आपका स्वागत है मेरे चैनल खेलो भारत फिट भारत में। आज हम आपको बताएंगे फुटबॉल ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है, कितना बड़ा हमारा ग्राउंड होता है फुटबॉल का। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके जीके क्वेश्चन का या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो उसमें भी आता है, और 11th 12th क्लास में भी ये आपका फुटबॉल का जो गेम होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ हमारे फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ होती है ये 90 से 120 मीटर लंबा होता है, और जो इसकी चौड़ाई होती है वेद तो ये 45 से 90 मीटर, ये इसकी चौड़ाई होती है। 90 से 120 मीटर लंबाई हो गई और 45 से 90 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। फिर ये आप देखोगे 18 यार्ड बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है ये गोल कीपर के लिए होता है। इसके अंदर गोल कीपर इसके अंदर रहते हुए अपने हाथ से गोल कीपर बॉल को पकड़ सकता है। तो ये 18 यार्ड का होता है। इसमें 16.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से मापते हैं तो 40.3 मीटर पूरी लेंथ इसकी बॉक्स की होती है। तो 16.5 मीटर इसकी लेंथ होती है बॉक्स की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 6 यार्ड बॉक्स, ये आपका 5.5 मीटर दोनों तरफ से ऐसे 5.5 देखते हुए, और जो गोल पोस्ट है उससे 5.5 इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से लेते हुए, तो ये छोटा 6 यार्ड बॉक्स बन जाता है। अब ये आप देखोगे ये पॉइंट, ये पेनल्टी स्पॉट इसको बोलते हैं जिससे हम पेनल्टी ली जाती है, ये 11 मीटर का होता है, ठीक है। और उसके बाद आप ये गोल पोस्ट देखेंगे 7.3 मीटर इंटू 2.4 मीटर लंबा, ये ऊंचा, और ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और ये जो आप ये आर्क देख रहे हो, आर्क चारों तरफ यहाँ फ्लैग होते हैं कॉर्नर फ्लैग, तो इसका जो आर्क होता है ये 1 मीटर का होता है। और ये आप ये सर्कल बीच में जो सर्कल देखा जा रहा है ये होता है सेंटर स्पॉट, इस पर किक ऑफ से हमारा गेम शुरू होता है। जो इसका रेडियस होता है 9.15 मीटर, जो इसका गोला होता है ये 9.15 मीटर का होता है। जब मैच शुरू होता है तो जो ए टीम और बी टीम है, जो अलग अलग टीमें इस जो किक ऑफ ले रहा है स्टार्ट कर रहा है मैच, तो वो सर्कल के बाहर रहते हैं, जिससे क्या होता है 10 यार्ड की दूरी बनी रहती है। कोई भी फ्री किक मिलता है, कोई भी फाउल मिलता है, तो उसमें फुटबॉल में 10 यार्ड दूर रहते अपोनेंट प्लेयर, जो सामने वाली विपक्ष टीम होती है उसके प्लेयर, ठीक है। और इसमें जैसे कि हमने ये देख लिया सारा ग्राउंड का मेजरमेंट। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे प्लेयर पोजीशन, लेकिन आपको ये एक चीज़ छूट गया है, ये स्पॉट, ये पेनल्टी स्पॉट से ये हम बी के बाहर बच्चे पूछते हैं सर ये बॉक्स क्या होता है। ये बॉक्स होता है कि इस पेनल्टी बॉक्स से हमें 10 यार्ड नापना होता है, 10 यार्ड दूरी के लिए ये आर्क बनाया जाता है। इससे क्या होता है जब पेनल्टी मिलती है तो चलते मैच में रनिंग मैच में जो भी पेनल्टी मिलती है तो इसमें ये प्लेयर जो बाहर खड़े होते हैं हर पेनल्टी के सारे, उसमें एक ही प्लेयर जो मारता है वो इसके अंदर जा सकता है, तो इसलिए यह आर्क बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये 10 यार्ड का आर्क यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ आपको पूरा मेजरमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेयर पोजीशन देखा, देखो जैसे कि आप स्क्रीन में दिख रहे हैं गोल कीपर पोजीशन इस डी बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। दोनों तरफ सेम होता है, ये एक टीम का बता रहा हूँ मैं, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। उसमें पहला गोलकीपर हो गया, फिर उसमें दो सेंटर बैक होते हैं, इसको स्टॉपर भी बोलते हैं, ये राइट फुल बैक या लेफ्ट फुल बैक, ठीक है। फिर ये राइट मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, लेफ्ट मिडफील्डर, फिर इसके आगे सेंटर फॉरवर्ड। इसमें आप अलग अलग तरह की पोजीशन देखें, सामने जैसे टीम होती है उसके हिसाब से आपका कोच, आपका जो कैप्टन है वो आपको सजेस्ट करेगा सामने कौन सी पोजीशन खेलना है। आप जैसे 4-3-3, जैसे यहाँ इसमें आप देख रहे हो 4-4-2 से खेला जा रहा है मैच, तो इसमें अलग अलग पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हर टीम में पूरे मेंबर होते हैं 11 जो खेलते हैं, 11 मेंबर खेलते हैं प्लेइंग में, ठीक है। उसमें से 7 प्लेयर जो एक्स्ट्रा में होते हैं उसमें से आप 3 प्लेयर ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक मैच में, ठीक है। तो ये इसका सिंपल जो आपको बेसिक है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, एक तो डायमेंशन और आपको प्लेयर पोजिशंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बना 17 लॉ होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लॉज, फुटबॉल के जो लॉज होते हैं 17 लॉ, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट देखेंगे जिससे आपको बेसिक आपको समझ आ जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक भी और शेयर भी, तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।